इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। सिंध हाई कोर्ट का कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। हुकूमत सिंध इलेक्शन कमीशन को नफरी और दीगर सहूलतें फराहम करे। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। सेवन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर हादसे में जा बहक 20 अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। मैयतें दाऊदगोट खैरपुर पहुंचा दी गईं। गुज़श्ता रोज़ मुसाफिर वैन पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी। 13 अफराद जख्मी हुए, 2 की हालत नाजुक। अदालत कोई मकाम तजवीज़ नहीं कर सकती। पीटीआई इस्लामाबाद में जलसे की तारीख और वक्त से आगाह करके इंतजामिया से इजाजत ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई की जलसे और धरने के लिए एनओसी के इजरा की दरखास्त और मकामी ताजरों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत ने सिर्फ यही कहना है कि जो कुछ करना है वो कानून के मुताबिक करें। कराची में 4K चुरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 लड़का जाँ बहक, 2 जख्मी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तीनों भाई हैं और स्कूल जा रहे थे। और थल के सहरा में 7वें थल जीप रैली का आगाज हो गया। क्वालिफाइंग ग्राउंड के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। 115 रेसर्स शरीक।